सुस्वागतम मित्रों, मैं हूं दिलीप गंगवार। और सबसे पहले उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। आपके वीडियो के नीचे ऐसा सब्सक्राइब का लाल बटन आ रहा होगा, उसे आप प्रेस कर दें, तो इससे जो भी मैं नए वीडियोज हमेशा अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे उनका पता आपको लगता रहेगा। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक है हमारा डेटाबेस का बैकअप कैसे लेंगे और उसे रिस्टोर कैसे करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं तो, क्योंकि जो बैकअप और रिस्टोर का क्या मतलब होता है ये पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे आपने एंड्रॉयड में कोई व्हाट्सएप का बैकअप ले का मैसेज आता है या और कोई एप्लीकेशंस के बैकअप होते हैं, बैकअप मतलब आपका जो भी उस समय तक डेटा जो स्टोर हो गया है, आपने मान लीजिए बहुत सारी टेबल्स बनाई हुई हैं, बहुत सारा डेटा है आपके डेटाबेस में, वो सारा डेटाबेस का एक फाइल बन जाती है .bak, उसका एक्सटेंशन होता है, तो एक बैकअप फाइल बन जाती है जिससे आप कभी भी आप चाहते हैं कि हाँ आज तक का मेरा डेटाबेस का बैकअप मुझे मिल जाए और फिर वापस मैं उसे यूज कर सकूं कभी भी। और दूसरी चीज होती है कि मान लीजिए हम अपने सर्वर बड़ी एप्लीकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेटा है, मान लीजिए कोई बैंक्स का डेटा है और बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनीज हैं, बहुत सारे उनका डेटा होता है, हर समय कितनी सेल हो रही है, कितना क्या हो रहा है, वो इतना इम्पोर्टेंट डेटा अगर कभी भी कोई फेलर हो जाए, ऑनलाइन कोई समस्या पैदा हो जाए, तो तब तक का उनका पूरा बैकअप होना चाहिए। कितना आदमी ने पेमेंट लिया, मतलब बिल्कुल जितना भी काम, जितने भी ट्रांजेक्शन्स, जितना भी डेटा स्टोर हुआ हुआ है उसकी एक फाइल बन जाए और जिसे वो वापस उसका एक डेटाबेस बना सकें, वो होता है बैकअप लेना। और रिस्टोर करने का मतलब सिंपल वही होता है कि जो बैकअप लिया हुआ था उसको वापस हम डेटाबेस उसका बना सकें, एसक्यूएल में रिस्टोर कर दें और आराम से वैसे के वैसे ही काम करें एज इट इज। तो चलते हैं डेटाबेस में और फिर आप इसको और समझ पाएंगे। ये देखिए हमारा एसक्यूएल खुला हुआ है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई एक डेटाबेस है हमारा, मान लीजिए ये है हिंदी टैग एक डेटाबेस। अब इसके अंदर हमारा जो भी टेबल्स में डेटा है, मैं चाहता हूँ इस समय तक मेरा ये डेटाबेस है, इस डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स हैं यानी सब जो भी डेटा है इसमें, उस डेटाबेस का मुझे एक फाइल बन जाए, बैकअप फाइल मिल जाए, तो वो हम कैसे करते हैं वो देखेंगे। और फिर वो बैकअप फाइल से वापस हम ऐसा ही डेटाबेस कभी भी बना सके जिसे हम यूज कर सके। आगे के पार्ट्स में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये डेटाबेस का जो हम बैकअप बनाते हैं वो ऑटो शेड्यूल कैसे कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने डेटाबेस के बैकअप को ऑटो शेड्यूल करती हैं कि हर एक घंटे बाद अपने आप बैकअप बन जाए, हर संडे को बैकअप बन जाए, या हर मंडे को, या हर ट्यूजडे को, या हर मंडे को इतने बजे, ट्यूजडे को इतने बजे, ये फ्रिक्वेंसी सेट करके वो अपने डेटाबेस का बैकअप ऑटो शेड्यूल कर देते हैं। वो चीज़ हम अगले पार्ट्स में देखेंगे, आज सिर्फ हम देख रहे हैं बैकअप कैसे बनाना है और उसे वापस डेटाबेस यानी रिस्टोर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बैकअप बनाना देखेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, जो डेटाबेस है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, जिस भी डेटाबेस का आपको बैकअप बनाना है। आपके यहाँ डेटाबेसिस की लिस्ट है ही, चाहे आप ये सिस्टम डेटाबेस होते हैं, अभी ये डेटाबेसिस हैं आपके, ठीक है ना। जिस भी डेटाबेस का आप बैकअप बनाना चाहते हैं उस डेटाबेस पर आप राइट क्लिक करिए, ठीक है, और टास्क में चले जाइए आप, और टास्क में आपको मिल जाएगा बैकअप, क्लियर है, बस बैकअप पे क्लिक कर दें तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, बैकअप डेटाबेस हिंदी टैग। ओके, डेटाबेस का नाम यहाँ ऊपर आ रहा है आपके सामने। यहाँ पे देखिए इस लेफ्ट जो आपका पैन है इसके अंदर जनरल मीडिया ऑप्शंस बैकअप ऑप्शंस ये दे रखे हैं, आप सेटिंग्स कर सकते हैं बैकअप फाइल की। तो जनरल में हम देख रहे हैं सबसे पहले डेटाबेस का नाम, ठीक है, जिस भी डेटाबेस, ये सारी जो हमारे यहाँ डेटाबेसेस आ रहे थे उनकी लिस्ट देखिए यहाँ पे भी आ गई है, उन्हीं डेटाबेसेस की लिस्ट है जो हमारे यहाँ आ रहे थे। उसके बाद देखिए आपका रिकवरी मेथड है फुल, मतलब हमारा जो बैकअप का टाइप है फुल, हम चाहते हैं पूरे डेटाबेस का बैकअप हमारा बन जाए। और उसके बाद ये देखिए डिफरेंशियल होता है, आप चाहते हैं कि मतलब कुछ डिफरेंशिएट हो तो उसके लिए दूसरी सेटिंग्स आ जाती हैं, इनके बारे में हम अगले पार्ट्स में देखेंगे। ट्रांजेक्शन लॉग है, आपके जो भी लॉग फाइल्स बनी हुई हैं उनके उनका बैकअप आपको लेना है नहीं लेना है, उनकी रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं। अभी हम अपने डेटाबेस का फुल बैकअप देख रहे हैं तो फुल पे क्लिक कर दें, कॉपी ऑल ओनली बैकअप को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका बैकअप आ जाएगा, ठीक है। बैकअप कंपोनेंट है ये देखिए डेटाबेस,
फाइल या फाइल ग्रुप, अगर कोई फाइल ऑलरेडी है बनी हुई, यानी डेटाबेस की .mdf वगैरह फाइल बनी हुई है, वहाँ से आप बैकअप लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे जा सकते हैं और उस फाइल को सर्च कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मगर अभी हम ये नहीं देख रहे हैं, हम डेटाबेस के थ्रू कर रहे हैं, तो बस डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। ओके, आपको कहाँ पे डिस्क में करना है, यूआरएल पे। डिस्क यानी आपको इस कंप्यूटर पे या अभी जो भी आपने कोई यूएसबी वगैरह लगा रखी है उसमें करना है, या किसी यूआरएल यानी किसी नेटवर्क पे करना है, किसी वेबसाइट पे करना है, किसी दूसरे प्लेस पे करना है, तो आप यूआरएल चूज कर सकते हैं या फिर डिस्क, ठीक है। अब आपको करना कहाँ है, ए पाथ है आपका सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, देखिए ये लंबा सा पाथ दे रखा है, ये बाय डिफॉल्ट पाथ दे रखा है, वहाँ जाके इस पूरे ए पाथ है, इस पाथ पे आपका ये स्टोर हो जाएगा डेटाबेस का बैकअप। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो, ऐड पे क्लिक कर दें और यहाँ से अपनी मर्जी का पाथ चूज कर लें। एफ ड्राइव ले लेता हूँ, ये देखिए एफ ड्राइव में एक राजेंद्र नाम का फोल्डर है, इसके अंदर मैं बैकअप बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक फोल्डर चूज कर लिया जहाँ भी आप अपना बैकअप स्टोर करना चाहते हैं, ठीक। उसके बाद सब इम्पोर्टेंट चीज़ें, आपका पाथ यहाँ आ ही गया, आपका फाइल का नाम आपको यहाँ पे देना है, कुछ भी लिख दिया मैंने, हिंदी टी लिख दिया मैंने और डॉट बी ए के, जो बैकअप का आपका एक्सटेंशन है वो आप यहाँ खुद लिख सकते हैं, ओके कर दीजिए और ये ओके कर दें। ये वाला जो पाथ था आपका ऊपर वाला, इसको आप रिमूव कर दें क्योंकि हम इस पाथ पे अब स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और बस ओके करना है आपको, दैट्स इट। ये देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है, 100% आ गया और आपके सामने तुरंत मैसेज आ गया, द बैकअप डेटाबेस हिंदी टेक कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, ओके पे क्लिक कर दीजिए और अब हम चलते हैं वहां अपना, देखते हैं चल के हमारा वो हो गया या नहीं। एफ ड्राइव में हमारा राजेंद्र नाम का फोल्डर था, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हैं पहले से, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ अगला आगे प्रैक्टिस के लिए, बैकअप नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ, है ना। बैकअप का हमेशा फोल्डर रख लीजिए। ये देखिए हमारा यहाँ हिंदी डॉट पैक, ये हमारा बैकअप बन गया उस फाइल में, राजेंद्र नाम के फोल्डर में। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ बहुत सारी मूवीज और ये पड़ी हुई हैं, और जो मैंने अभी बैकअप फोल्डर बनाया था इसमें डाल देता हूँ, दैट्स इट। तो पहली चीज हमने देखी कि कैसे बैकअप बनाते हैं। देखिए अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि कैसे हम अपना बैकअप जो हम बनाते हैं उसकी क्वेरी कैसे स्टोर कर सकते हैं, और उस क्वेरी से हम आगे फ्यूचर में कभी भी दोबारा अपने उस क्वेरी को ही रन करा दो, फालतू ये राइट क्लिक करो, सेटिंग्स करो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लीजिए जैसे एक कोई डेटाबेस ले लेते हैं, ट्रेनी डिटेल, ये हमारा एक डेटाबेस है, ट्रेनी डिटेल के ऊपर राइट क्लिक जैसे मैंने करा, टास्क पे गए, वही रिपीट हो रहा है, बस बैकअप पे क्लिक करा, ये आ जाता है आपके सामने बैकअप का। एक सेटिंग्स और देख लेते हैं हम, जनरल में देख लिए हमने, सेटिंग्स देख ही ली थी कि डेटाबेस हमारा जो भी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी हैं बस आपको वही रखनी है, बस आप यहाँ पाथ चेंज कर लें, जो अभी मैंने एक फोल्डर बनाया था वहाँ एफ ड्राइव में, वो पाथ ले लेता हूँ, बैकअप नाम का एक फोल्डर है मेरा, और यहाँ फाइल लिख दी, कुछ भी लिख दिया मैंने, trn.pak, ओके। इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, ऊपर वाले पाथ की जरूरत नहीं है, इस पाथ पे हमारा ये स्टोर हो जाएगा। ये सेटिंग्स बता देता हूँ, मीडिया ऑप्शन, देखिए मीडिया ऑप्शन में हमें ये बहुत, जैसे हम कोई भी देखें एंड्रॉयड में आप कुछ करते हैं, फेसबुक पे करते हैं, छोटी मोटी सेटिंग्स होती हैं, चेक करनी होती हैं और वो अप्लाई हो जाती हैं, बस वही है। जैसे मीडिया ऑप्शन में आ गए हम, तो यहाँ पे ओवर राइट की है, ओवर राइट की सेटिंग्स है कि आप जो एग्जिस्टिंग बैकअप है, पहले से जो उस फोल्डर में पहले से बैकअप बना हुआ है वो ओवरराइट हो जाए, यानी वो फाइल डिलीट हो जाए, अगली आ जाए। जैसे होता है ना कभी कोई कंपनी है रेगुलर दिन में 6 बार, दिन में 3 बार बैकअप ले रही है, तो जो फ्रेश बैकअप होता है वही इंपॉर्टेंट होता है, पीछे का तो कोई मतलब नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पीछे वाली फाइल ओवरराइट हो जाए तो इसको चेक कर सकते हैं, हम चाहते हैं उसके आगे अपेंड हो जाए हमारा डेटा बैकअप जो पहले था, अपेंड टू द एग्जिस्टिंग बैकअप सेट, ये अपेंड कर सकते हैं, उसमें ऐड हो जाएगा वो हमारा। मीडिया सेट को चेक करना है हमें, बैकअप न्यू मीडिया सेट बनाना है और इरेज करना है एग्जिस्टिंग बैकअप सेट्स, तो ये सेटिंग्स आप क्लिक कर लें। रिलायबिलिटी के लिए आप चाहते हैं कि जब भी बैकअप फिनिश हो तो वेरीफाई हो जाए, तो वो हो जाएगा, यहाँ चेक कर देंगे। चेकसम परफॉर्म करना चाहते हैं आप जब भी राइट कर रहे हो मीडिया में, तो ये कर सकते हैं। कभी भी बैकअप के दौरान एरर आती है और आप चाहते हैं फिर भी बैकअप कंटिन्यू रहे, तो इसको चेक कर सकते हैं। ये कुछ सेटिंग्स हैं आप यूज कर सकते हैं। बैकअप के ऑप्शंस हैं, बैकअप क्यों ले रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं। जो अभी मैं बता रहा हूँ ये सेटिंग्स हैं, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। बैकअप आप चाहते हैं, जैसे होता है ना बहुत सारे बैकअप डेली हो रहे हैं हमारे डेटाबेस के, तो फोल्डर
आपका फुल हो जाएगा, आपका डेटा की मतलब स्पेस की समस्या आ सकती है आपके डिस्क में, तो आप चाहते हैं कि हमारा बैकअप हर 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाया करे, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि 2 डेज और 2 डेज के बाद हमारा बैकअप एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कोई फिक्स डेट डालना चाहते हैं कॉन्स्टेंट, तो आप यहाँ डेट रख दीजिए कि इतनी डेट को ये बैकअप एक्सपायर हो जाए, तो आप ये सेटिंग्स आराम से कर सकते हैं। कंप्रेस करना चाहते हैं आप, जैसे हम कोई भी डेटाबेस वगैरह अपना बैकअप मेल करते हैं तो कंप्रेस कर देते हैं, विनरार बना देते हैं ना फाइल की, तो वो आप यहाँ कंप्रेस कर सकते हैं जिससे लाइट हो जाए आपका बैकअप। तो ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे ये स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन। जब आप यहाँ पे स्क्रिप्ट एक्शन टू न्यू क्वेरी विंडो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो ये आप जो सब कुछ कर रहे हो इसकी आपको एक SQL क्वेरी मिल जाएगी। ये देखिए बनी बनाई, बहुत ही प्यारी चीज़ है। क्यों? क्योंकि क्वेरी से करना ही हमेशा अच्छा होता है, और क्वेरी आपको बनी बनाई मिल गई तो अगली बार से आपको ये सेटिंग्स, आप जितनी वो सेटिंग्स करेंगे ना जो अभी मैंने बताई, वो सारी सेटिंग्स यहाँ क्वेरी में हो जाएंगी अपने आप। और नेक्स्ट टाइम आप इस क्वेरी को सेव कर लीजिए, इसको पेज को ऐसे कैसे ही, नेक्स्ट बार बस उस पेज को खोलिए, आप नोटपैड में भी सेव कर सकते हैं यहाँ भी, और बस इसको रन कर दीजिए, आपका बैकअप तुरंत मिल जाएगा एग्जीक्यूट पे क्लिक करते ही, है ना। तो आपको ये राइट क्लिक करके और सेटिंग्स को चेक अनचेक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो एक क्वेरी आप सेव कर लीजिए एक बार बना के, ठीक है। ये देखिए इसमें बैकअप डेटाबेस लिखा है, यहाँ TRN डिटेल। अब मैं आपको वो जो क्वेरी हमारी एक खुली हुई थी विंडो, हमने क्वेरी ले ली, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो देखिए एग्जीक्यूट 100% और ये हमारा बैकअप बन गया। चेक करना चाहते हैं चलते हैं, ये देखिए TRN.back तुरंत अभी बैकअप हमारा बन गया। और अब इसको क्वेरी के थ्रू देख लेते हैं। अब ये देखिए आप कोई दूसरा डेटाबेस देखते हैं, जैसे सालासर बालाजी, ये डेटाबेस, इस डेटाबेस ऐसे आप ड्रैग भी कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से ड्रैग कर लिया, इस डेटाबेस को मैंने डिलीट कर दिया, तो ये हमारा जो भी पाथ है इस पाथ पे ही, और बस आपको क्या करना है एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। ये देखिए ये हो गया ना, जैसे हमारा प्रोग्रेस मीटर चलता है उस हिसाब से आ रहा है ना, बिल्कुल 91% 100% बैकअप सक्सेसफुली। ओके, क्वेरी हमारी ये फायदा करेगी, ये क्वेरी आप सेव कर लें और उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा लें जब भी बैकअप आपको बनाना है। आपको मैंने ऑटो शेड्यूल बैकअप करने के लिए बताया ही, मैंने अगले पार्ट में मैं बनाऊंगा वीडियो जिसमें अपने बैकअप को ऑटो शेड्यूल कर सकते हैं, अपने आप बैकअप बन जाया करेगा जो भी फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे। ये देखिए TRN.back, देखिए उसी नाम से, हमने नाम चेंज नहीं करा था ना, तो उसी फाइल के ऊपर ओवरराइट हो गई। मान लीजिए मैं नाम लिख देता हूँ सालासर, ठीक, .back, और अब मैं इसको रन कराता हूँ, वापस एग्जीक्यूट करता हूँ क्वेरी को। ये देखिए एग्जीक्यूट हो गई, और जाके हम देखते हैं तो यहाँ सालासर.back नाम से एक फाइल बन गई। अब हम रिस्टोर का देखते हैं कि जो ये हमारे बैकअप बन गए इन्हीं बैकअप से वापस हम ऐसा डेटाबेस SQL में ऐसा डेटाबेस कैसे बना दे जिससे हम आगे अपना काम जारी रख सकें, क्योंकि आपको पता है इन बैकअप से तो कोई काम होने वाला नहीं है, ये कोई एग्जीक्यूटेबल थोड़ी है, मतलब ये बैकअप आपके यूज़ थोड़ी कर सकते हो, ये तो वो आपको डेटाबेस को बैकअप है, मतलब रखने के लिए, हाँ भाई ये रख दिया मैंने, इतना डेटा मेरा सुरक्षित है, ठीक है यहाँ तक का, क्योंकि अब उसमें आगे काम नहीं होगा। तो अब उस डेटाबेस को वापस रिस्टोर करने के लिए भी बहुत ईजी है, बस डेटाबेस पर क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, ठीक, और रिस्टोर डेटाबेस पे क्लिक कर दीजिए, बहुत सिंपल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 3 सेटिंग्स है, मैं आपको बताता हूँ जनरल में, बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना है, डेटाबेस पे क्लिक करना है, क्योंकि आप डेटाबेस से बैकअप बना रहे हो या डिवाइस से बना रहे हो, तो मैं डिवाइस से बना रहा हूँ ना, यानी डिवाइस पे फाइल स्टोर है, डेटाबेस ये रखा हुआ है, इससे तो रिस्टोर कर नहीं रहा मैं, ठीक है, तो डिवाइस से कर रहा हूँ, तो डिवाइस पे क्लिक कर दीजिए और आप अपनी फाइल को चूज कर लीजिए कहाँ पड़ी हुई है आपकी बैकअप फाइल, आपकी पड़ी हुई है एफ ड्राइव में बैकअप फोल्डर में। ये देखिए किसका बनाना चाहते हैं, मान लीजिए हिंदी टैग का, ओके दैट्स इट, ये लीजिए ये आपकी फाइल आपकी यहाँ पे आपने सर्च कर ली, और जो भी आपकी MDF फाइल है यहाँ आ गई, ठीक, पूरा सब कुछ यहाँ पे सेटिंग्स हैं। इस डेटाबेस का नाम देखिए हिंदी टैग, ये एम्बिगिटी की समस्या हो जाएगी क्योंकि हिंदी टैग वहाँ ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। अब आप क्या करोगे, नया बैकअप बनता है तो हम क्या कर देते हैं उसके आगे जोड़ देते हैं, मान लीजिए आज हमारी तारीख है 13 मई, तो 13 मई मैंने डाल दिया, तो हिंदी टैग 13.05। वेरीफाई करना चाहते हैं तो बस यहाँ वेरीफाई पे आप क्लिक कर दीजिए, जैसे हमने पिछली बार सेटिंग्स देखी थी ना जब बैकअप करा था कि ऑटो वेरीफाई हो जाए, यहाँ क्लिक करके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए डन, वेरीफाई डन। सेटिंग्स देख लेते हैं फाइल में, ये देखिए हमारी दोनों MDF और LDF फाइल
कहाँ बनेगी? वो यहाँ पे है जगह सी ड्राइव में। अगर आप उन जगहों को बदलना चाहते हैं कि आपकी एमडीएफ एलडीएफ सी ड्राइव में ना बने और किसी वो लोकेशन पे बने। कई बार ये क्वेश्चन आता है, पता है, लोग बोलते हैं सी ड्राइव में हमें अपना डाटा नहीं रखना चाहिए, कभी ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया, कुछ समस्या हुई तो हमें पूरा फॉर्मेट करना होगा। तो डाटा भी समस्या ध्यान रखिए दूसरे फोल्डर्स में, दूसरे आपके ड्राइव्स में रखिए। वो जब भी आप रिस्टोर करते हो आप अपना यहाँ पे आराम से चूज कर सकते हो कहाँ पे आपकी एक्चुअली डेटाबेस तो यहाँ आपके दिख रहे हैं पर उनकी एमडीएफ और एलडीएफ फिजिकल लोकेशन कहाँ है, वो यहाँ है उन डेटाबेस की। ठीक है, आप इस चाहते देखना चाहते हैं तो इस पूरे पाथ को आप सिलेक्ट करिए, कंट्रोल सी करिए, विंडो आर दबाइए, ठीक, उस पाथ को यहाँ डालिए, एंटर करिए। इसमें से फाइल का नाम हटा देता हूँ, मैं लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे सामने ही फोल्डर खुल जाएगा। देखिए है प्रोग्राम फाइल्स, एसक्यूएल सर्वर, एमएस एसक्यूएल डेटा, यहाँ हमारे सारे डेटाबेसेस, ये हमारे एमडीएफ फाइल्स और एलडीएफ फाइल्स। ये देखिए ये एमडीएफ है, ये लॉग फाइल है और ये एमडीएफ फाइल है, ये डेटाबेसेस हमारे यहाँ सारे स्टोर है। तो आप यहाँ से लोकेशन बदल सकते हैं। ठीक, ऑप्शंस में वही ओवरराइट वाले ऑप्शन, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट और ये सारी सेटिंग्स आप आराम से चेंज कर सकते हैं, चेक कर दें तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो अब जैसे ही हम इसको रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो हमारा हिंदी टैग 1305 नाम से यहाँ डेटाबेस बन जाएगा। इससे पहले मैं आपको स्क्रिप्ट भी दिखा देता हूँ। जैसे देखिए न्यू क्वेरी एडिटर विंडो, ओके, देखिए अभी मैं इस पर ओके नहीं कर रहा हूँ, पीछे हम अपने क्वेरी देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारी रिस्टोर की क्वेरी आ गई भाई साहब, सारी सेटिंग्स हमारी रिस्टोर की इस हमारी क्वेरी में आ गई। अब सबसे पहले जो हमने हमारी विंडो खोल रखी है ऑलरेडी, अब इस पर जैसे ही हम ओके करेंगे, यहाँ स्क्रिप्ट से तो हमने देखिए सिर्फ क्वेरी ली है फ्यूचर के लिए और देखने के लिए, ठीक है। ओके जैसे हम क्लिक करेंगे प्रोग्रेस 100% हो गया। देखिए डेटाबेस हिंदी टैग 1305 रिस्टोर्ड सक्सेसफुली। ये देखिए रिस्टोर की हमारी एसक्यूएल क्वेरी है ही, इसको आप सेव कर सकते हैं और फ्यूचर में आप आराम से बस यहाँ पे सेटिंग्स चेंज करके और यहाँ क्वेरी से भी रिस्टोर कर सकते हैं। तो हमारे सिंपल तरीके मैंने आपको बताया कि कैसे हम डेटाबेस का बैकअप लेते हैं और कैसे रिस्टोर करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स में, टैग करें, लाइक करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।